के लिए मुख्यमंत्री भूआवासी अधिकार योजना बन गई, जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी पे पट्टे दे रहे हैं, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी व्यवस्था करूंगा रहने की, जमीन की खरीद के लिए। शहर में ताकि टोटी खोलो तो झर झर पानी आ जाए और तुम्हारे बर्तन भर जाए, पानी की दिक्कत खत्म। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लगभग 1.5 करोड़ बहनों को 1597 करोड़ का सिंगल क्लिक के माध्यम से। नहीं भाई, अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा। जियो मामा जियो। फिर से जा रहे हैं बुरहानपुर, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे मामा आ रहे हैं हमारे जिले में, तो हमने फटाफट कार की फोर व्हीलर और डायरेक्ट भातखेड़ा नेपानगर से निकल गए बुरहानपुर के लिए। मैं, हमारे पार्षद मीठा भैया, और इधर है भास्कर, इधर है शंकर दादा, और उधर है ड्राइवर भैया। फाइनली हम बुरहानपुर में एंटर कर चुके हैं। आ चुके हैं, हमारे बुलेरो इधर खड़ी कर चुकी है, और ये देखिए ये बस स्टैंड है, यहाँ पे कुछ थोड़ा काम है और थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे अभी। फिर हमने खाए दाल छोले जो कि खूब ही शानदार और खूब टेस्टी थे भाई साहब, खाने में मजा आ गया। और ये है कुछ बुरहानपुर बस स्टेशन का कुछ नज़ारा सिनेमेटिक में। मामा का भाषण चालू है, हम थोड़ा लेट हो गए दोस्तों, नहीं कि तो चलो चलते हैं। फाइनल दोस्तों हम उतर गए और मामा का भाषण चालू है। ये हमारे काका जी श्री शंकर चौहान जी, और हमारे पार्षद अजी लाडली बेहला आवाज योजना, जो लाडली बेहला है उनकी योजना के मतलब 1250 रुपये वो भी आज देने वाले हैं, जो कि 10 तारीख को डलते थे लेकिन आज 4 तारीख को ही डल जाएंगे। ये दोस्तों बुरहानपुर जिले की सबसे बड़ी मंडी, इसको मंडी का नाम है दोस्तों रेणुका मंडी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई
इतनी भीड़ थी भाई साहब, अपने आप को बचते बचाते मैं पहुंच गया आगे, और आगे जाके मैंने वीडियो बनाई, उसमें आप भाषण सुनो, मामा के आंख में आंसू आ जाएंगे। रहने की जगह नहीं है, तुम भी कर रहे खा रहे हो, बोले जरा से घर में रह रहे, मैं कहा कैसे, अरे बोले दादाजी के चार बेटा हो गए, उनकी चार बहुएं आ गई, आठ हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब उनके चार चार हो गए, अब घर में रहने की जगह नहीं है, मामा रहे कहा। हमने गांव के लिए योजना बनाई, अभी शहर की बात कर रहा हूं मैं, गांव में हमने ये तय कर दिया, एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार, उसको रहने की जगह कम पड़ रही है तो उसको फ्री में पट्टा दूंगा और जमीन का रहने की मालिक बनाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं, इतनी धरती तो चाहिए कि जिसमें घर बना के रह ले, ऊपर वाले ने इज्जत दिया होगा जब धरती पे भेज दिया तो गांव के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई, जहाँ सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी पे पट्टे दे रहे हैं, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी व्यवस्था करूंगा रहने की, जमीन की खरीद के लिए। शहर में जितने झुग्गी झोपड़ियों में छोटे छोटे मकानों में रहते थे, अभी हमने लाडली बहना आवास योजना बनाई, अपने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, कई को गांव में मकान मिल गए, कई को शहरों में मिल गए, कई रह गए, सूची में नाम नहीं है उनका, और इसलिए हमने तय किया कि जो रह गए उनके लिए आवेदन भरवाएंगे। अभी गांव में हर पंचायत में लाडली बहना आवास योजना के फार्म भरे जा रहे हैं, वो फार्म भरवा के जांच करके जिनके पास वास्तव में मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, हम व्यवस्था करेंगे उनकी। और शहर के लिए हम एक अलग योजना बनाने जा रहे हैं, ताकि बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा घर तो मिल जाए, सर्दी गर्मी बरसात में अपने बच्चों के साथ चैन से रह लें, इसकी व्यवस्था, ये बुनियादी जरूरत है। और बाद में चुनाव के बाद फिर 10 तारीख को ही पैसा लगातार डलते रहेंगे। मेरे भाइयों या सिंधी भाइयों ने जो दुकानें चली थी बुरहानपुर, उन्होंने अपनी व्यथा बताई, उनकी समस्या का समाधान हो गया है, निविदा निकाल दी गई है और जली दुकानों के बदले उनको दुकानें दे दी जाएगी, बीच में जो पैसा कम पड़ेगा मामा भरवाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। किसान भाइयों केले के लिए फसल बीमा योजना सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कई सिंचाई की छोटी छोटी योजनाएं हमने बनाई, अब ताप्ती मेगा रिचार्ज की योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जाएगा, ताकि पानी की कमी ना रहे। और बुरहानपुर में बहनों ढंग से नलों में पानी नहीं आता था, हमने योजना बनाई और अब सब बहनों के घर में नलों में पानी आएगा, और गांव की बहनों हैंडपंप में पानी भरती थी, हैंडपंप में दिन भर खटर 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 बेटी पानी भरती रहती थी। ये तुम्हारे घरों में भी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी दिया, ताकि टोटी खोलो तो झर झर पानी आ जाए और तुम्हारे बर्तन भर जाए, पानी की दिक्कत खत्म हो। अच्छा बताने मेरी बहनों, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी चला रहा हूँ? जोर से बोलो, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी चला रहा हूँ? आइए बहनों और मेरे भाइयों, इन कामों को आगे बढ़ाएं, मामा के साथ चले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चले, और जो हमारे लिए काम करता है उन्हीं के लिए हम आशीर्वाद दें। बताओ जो अपने लिए काम करता है उसके लिए काम करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ हम संकल्प लेंगे कि भैया के साथ चलेंगे, ताकि मैं आपको आगे बढ़ा सकूं, आपके काम कर सकूं, और जरूरत पड़े तो आपके लिए लड़ भी सकूं। हूं दुबला पतला लेकिन लड़ने में बहुत तेज, चिंता मत कर। और इस दुनिया से जाने के पहले इतना कर जाऊंगा कि फिर माँ बहनों के खिलाफ कहीं अन्याय अत्याचार की हिम्मत ही नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था बना। वाह, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, भाई भी उठा लो बहनों के साथ,
और भारत माता की जय बोल के अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो, ताकि महिला सशक्तिकरण का नया युग मैं लेके आ जाऊं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं भी सौगंध खा के कहता हूं, आज बहनों के चरण मैंने धोए हैं, तुम्हारे चरणों की कसम, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। और अब मैं सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, सिंगल क्लिक करके। प्रदेश भर की मेरी बहनों, अब तुम्हारे खाते में 1250 रुपया सिंगल क्लिक करके डाल रहा हूं। ये रुपया भी तुम्हारी जिंदगी बदले और तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए, इनका ठीक से उपयोग करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, यही मेरा निवेदन है। ये सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में अब पैसा डाल रहा हूं। ये माइक ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लगभग 1.5 करोड़ बहनों को 1597 करोड़ का सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों को उनका आशीर्वाद। यशस्वी मुख्यमंत्री भैया ने अपनी गृह लक्ष्मी बहनों को धन लक्ष्मी बनाया है। जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए, धन्यवाद के लिए। गृह लक्ष्मी से धन लक्ष्मी तक बनाना, साथ में उन्हें वैभव लक्ष्मी का सौगात देना, समस्त प्रदेश की लाडली बहनों। अब धीरे धीरे पैसा आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। शाम को भी चेक करना, रात को भी चेक करना, थोड़ी देर हो जाए तो कल भी चेक करना, क्योंकि बहुत सा जाएगा तो कई बार बहुत दिन लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों, एक बार फिर अपनी बहनों को यहीं से प्रणाम करता हूँ। जियो मेरी बहनों, बढ़ो मेरी लाडलियो, अपनी जिंदगी बदलो और हमेशा खुश रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, बहनों का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। प्रधानमंत्री भैया ने अपनी सभी बहनों को आज तोहफे दिए हैं, हक और अधिकार दिया, संबल और सम्मान दिया, गृह लक्ष्मी से धन लक्ष्मी तक बनने का गौरव दिया। ऐसे हमारे यशस्वी लाडली मुख्यमंत्री भैया को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार हमारी बुरहानपुर की धरती से उन्हें दिया जा रहा है। बुरहानपुर की धरती से आज सभी प्रदेश की 1.5 करोड़ बहनों को आज यहां से उनकी लाडली बहना राशि का अंतरण किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंच से कुछ चयनीरों में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण, और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा महिला सम्मेलन में आए हैं तो हमने अधिकांश महिलाओं को ही यहाँ पर हितलाभ के लिए चिन्हित किया है। तो सबसे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जय जय रघुवीर समर्थ हिंगना ग्राम की महिलाएं उषा पाटिल जी और मनीषा पाटिल जी को आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है। ये महिलाओं के द्वारा मात्रा पर बैठे हैं अपने स्थान पर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हितलाभ का वितरण किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उचित मूल्य दुकान जो राशन का नंबर राशन दुकान है, ये सफलतापूर्वक ये महिलाएं हमारी चला रही हैं, इनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है। जय जय रघुवीर समर्थ हिंगना ग्राम की ये राशन कार्ड दुकान की महिलाएँ हैं, उषा पाटिल जी और मनीषा पाटिल जी। अगले क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जय श्री राम समूह जसोंदी की लक्ष्मी दीदी, इनके द्वारा जय श्री राम समूह में लक्ष्मी दीदी के द्वारा बैंक से जुड़कर बैंक लिंकेज ऋण लेकर कच्ची घानी का जो तेल है इसकी मशीन का संचालन कर, पहले ये मजदूरी करती थी, आज मालिक बन गई है लक्ष्मी दीदी। तो मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया लक्ष्मी दीदी को सम्मानित करें। इसके बाद महिला एवं बाल विकास की ओर से मांडवा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बंटी अलावे, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत दूरस्थ जंगल वाला क्षेत्र, बसाहट बहुत दूर दूर है, उसके बाद भी ग्राम ग्राम दूर दूर सभी मजरा फलियाट में जा जाकर इनके द्वारा लाडली बहना का पंजीयन कराया गया, अधूरे दस्तावेज पूर्ण किए गए, खाते खुलवाए गए और उसके बाद DBT सक्रिय करा के उनके पेमेंट उनके खाते में डलवाए हैं। तो आज यहाँ पर इस योजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बंटी अलावे जी को सम्मानित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा
योजना अंतर्गत हितग्राही के प्रशिक्षण कराकर चिकित्सक के परामर्श से यहाँ पर जो कृत्रिम अंग का उपकरण किया जाता है। तो ये बालकी रंगू भाई मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारी मात्रा में पब्लिक थे, फिर भी मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया तुम्हारे लिए, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थोड़े छोटे मोटे यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं यार, है कि, तो सपोर्ट करना यार। और अभी चेहरे पे मुस्कान देख के आपको लग रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है इतनी भीड़ में। तो भाई साहब मेरे दो सब्सक्राइबर मिल गए यार, छोटे मोटे, तो वो दूर से हाई कर रहे थे तो मैंने उनको ये दिखाया, ये देखिए ये भाई अपने सब्सक्राइबर है यार। ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो दिल में बहुत खुशी होती है और गार्डन गार्डन होता है भाई। पब्लिक बहुत ही ज़्यादा थी, ढंग का पानी भी नहीं मिला ना खाना मिला, लेकिन भाई साहब मामा के दर्शन हो गए उतना ही बहुत है। यो लाडली बहना, देखो मामा की बहना उनको सब दूर भाई। शिवराज मामा वहाँ पे थे और आज भाई साहब मामा ने और 1250-1200 रुपये दे दिए लाडली बहनाओं को। जियो मामा जियो भाई। हमारी बुलेरो खाली थी, हम चार जन बैठे थे, तो आते आते हमको पुलिस वाले मिल गए 4-5, तो भाई हमने बिठा लिया क्योंकि उनमें से एक दो पुलिस वाले पहचान के थे, तो भाई बैठ गए गाड़ी में। आगे जो बैठे वो बड़े साहब हैं, उनके पास जो वॉकी टॉकी है वो है, और वो ये ट्रैफिक पुलिस का मतलब काम कर रहे थे ऐसे कुछ शायद, तो मैंने थोड़ा वीडियो भी बना लिया। ये है शानदार बुरहानपुर का सनवारा चौराया का नज़ारा दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है और सामने से वैसा दिखता है दोस्तों, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है। तो छोड़ो अभी बरसात तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नज़ारा है। अभी मैं आपको पीछे घुमा के दिखाता हूँ कैमरा, ये देखिए भाई साहब। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो बुरहानपुर जाएंगे और स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये है सनवारा चौराया दोस्तों, और सभी दूर देखिए हम निकल गए बुरहानपुर से फर्स्ट क्लास, शानदार ठंडी ठंडी हवा खाते इंडो से हम आ गए नेपा नगर। और अभी हमारे शंकर चौहान काका जी हमारे कुछ भाषण देंगे, तो ज़रा वो भी सुनी लो। तो दोस्तों फाइनली अगर वापस आ गए हम बुरहानपुर से, और हमारे साथ जैसे कि हमारे शंकर चौहान काका श्री है कि मौजूद हैं। तो काका अपन किस लिए गए थे, काहे के लिए गए थे, ज़रा शब्दों में समझा दो अपने फैमिली लोगों को। आज हमारे मध्य प्रदेश का लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान बुरहानपुर आज उनके दौरा था। आज लाडली बहनों को उनने बहुत कुछ दिया, आज 1250 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 7-8 को अचार लग जाएंगे, शायद अचार संहिता लग जाएंगे, सही क्या? हाँ हमने 10 तारीख से पहले ही अचार संहिता लगने हाँ बिल्कुल डाल दिए कि कांग्रेस झूठे वादे करती, शिवराज जी झूठे वादे नहीं करता, करके दिखाते हैं वादे पूरे करे वादे। करके दिखाते हैं सबका साथ विकास की बातें करते हैं। आज अगर गरीबों का अगर भला चाहा तो शिवराज जी चौहान ने, और आगे भी शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपसे भी करते हैं दोस्तों, जितने देख रहे हो उतने पूरे सबके सब सपोर्ट करना मामा को, क्योंकि जो बदलाव मामा ने लाए हैं वो कांग्रेस सरकार ने ही ला पाती। क्यों क्यों काका? हाँ ये सही है कि शिवराज जी ने आज लाडली बहनों से लेकर लाडली लक्ष्मी तक अनेक योजना ऐसी दी है कि उसका तोड़नी है। ये तो सबका साथ सबका विकास, यानी कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल कोई धर्मों को देख के कोई भेदभाव नहीं किया, बिल्कुल। आज आज वहाँ पे काका तुमने भीड़ में देखा आज कितने, मतलब कि मोमेडियन भी महिलाएं बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। मैं वही बात करना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने जो आज जो दिया वो भेदभाव
से और सबके लिए उनने किया, और कोई धर्म के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। बिल्कुल लोगों, मैं सभी मध्य प्रदेश और सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा पार्टी है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है, सुख हर चीज़ में आगे आती है, इसी को तो राम राज्य बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी को तो राम राज्य बोलते हैं। और इसे और क्या बताओ, सब बहनों को उन्होंने दिया, सबको दिया, भाइयों को दिया, बच्चों को दिया, क्या नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा, कैसा नहीं वीडियो, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना है। ये जा रही हमारी बुलेरो जिसमें हम चार ही जन गए थे, एक ड्राइवर भैया और तीन जन हम थे, है कि। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और हाँ सोच समझ कर वोट देना।